सिविल लाइन थाना अंतर्गत दिन दहाड़े एक ऑटो चालक को आदतन बदमाश ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। ऑटो चालक की रिपोर्ट पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने बदमाश को पकड़कर मामले की जांच शुरू कर दी। घटना मंगलवार दोपहर की है, जब ऑटो चालक इरफान एमडीएस चौराहे पर पानी पीने के लिए रुका। इस बीच बदमाश सुरेश सिंधी ने ऑटो में रखे 750 रुपए निकाल लिए। जब इरफान ने चोरी किए रुपए वापस मांगे तो सुरेश ने रुपए देने से इनकार कर दिया और धारदार चाकू से उस पर हमला कर फरार हो गया। हमले में इरफान के गले और हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं। बहरहाल इरफान की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इरफान का मेडिकल करवाया है। यूनिवर्सिटी चौराहे की बात है, कार चौराहे की। जब मैं टेम्पो लेके जा रहा था, वहाँ सवारी उतारी और करीबन मेरे बैग उसमें टूल बॉक्स में 700-800 रुपये करीबन पड़े थे। उस बदमाश ने हेड लिया, मैं पानी पीने के लिए गया दुकान के सामने और पैसे हेड लिए उसने। और जैसे मैं घूम कर आया और गल्ला चेक किया मैंने और उसे टूल खोला, देखा पैसे गायब थे। और दाढ़ी वाला खड़ा था, मैं उसके पास गया, मैंने भाई आपने पैसे हेड़े मेरे क्या? तमीज़ से बोला, बदतमीज़ी से भी नहीं कर भाई, पैसे हेड़े तो गुस्सा आता कुछ भी नहीं। मैं गया, पैसे हेड़े भाई तूने? तो बोला गया तेरी पैसे हेड़ गया। उसने हेड़ते में चाकू का एक बार तो यहाँ किया और एक हाथ में पेट में घुसटा था तो हाथ में लग गया। Thank you.